जय हिंद दोस्तों। हमारी स्मॉल कैप की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं रेमंड लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, रेमंड सभी को पता है, टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। और कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करें तो मार्केट कैप 2616 करोड़, शेयर की पीई शून्य और फेस वैल्यू है ₹10। और कंपनी के ऊपर लगभग 1500 करोड़ रुपए का कर्जा। जी हाँ, 2616 करोड़ का मार्केट कैप और 1500 करोड़ का कर्जा। शेयर का 52 वीक लो 209.5 और 52 वीक हाई 513.4। और आज स्टॉक ट्रेड कर रहा है 394 के आसपास। और आज के सेशन का लो 379.2 और हाई 401.65। शेयर होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स के पास 48.27% का हिस्सा, पब्लिक यानी रिटेल निवेशकों के पास 40.98% का हिस्सा, FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास 6.39% का हिस्सा और DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास 4.37% का हिस्सा और अदर्स के पास 0.01। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही बढ़िया है। पिछले 5 क्वार्टर में हम देख सकते हैं धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ी है एंड पिछले 3 क्वार्टर में होल्डिंग कॉन्स्टेंट रही है और प्रमोटर ने एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बतानी है, स्मॉल कैप का हिस्सा तो है ही कंपनी, और वो है कंपनी की आर्थिक स्थिति। जी हाँ, फाइनेंशियल ट्रेंड बेसिक तरह से समझने की कोशिश करेंगे। पिछले 4 साल में हर साल कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में धीरे धीरे ग्रो हो रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू में कैसे धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है और प्रॉफिट में भी। अब फिनेंशियल्स में जाके थोड़ा नंबर्स को देखेंगे। जैसे मैंने कहा, रेवेन्यू हर साल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ, प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और साथ ही कंपनी की ईपीएस भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ऐसी कंपनियां लिस्ट में होनी चाहिए और ऐसी कंपनियों पे नजर बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और अब हम देखेंगे चार्ट पैटर्न्स पर पोजीशन कैसी है स्टॉक की। कुछ ऐप्स और वेबसाइट्स आपके लिए, जाइए रिसर्च कीजिए, जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा कीजिए शेयर्स के बारे में जिस शेयर में आपको निवेश करना है। और डाटा हमारे पास है 1999 से 2021 तक, और 1999 में भाव था लगभग ₹64। जी हाँ, ₹64 का स्टॉक था और चलते चलते वो बन गया आगे जाके लगभग ₹1150 का। जी हाँ, 1153 का स्टॉक ने हाई लगाया है मई 2018। जी हाँ, मई 2018 में। अब जो है चार्ट को डेली बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो पिछले मार्च का जो फॉल था उस भाव के ऊपर निकल कर ट्रेड करना शुरू कर दिए हैं, पर रेमंड ऐसा स्टॉक है जो अभी भी प्री मार्च 2020 मतलब मार्च 2020 के लेवल्स के ऊपर अभी तक नहीं निकला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे प्लीज नोट कर लीजिएगा। बिकॉज पिछले 2 महीने में कुछ स्टॉक्स में रैली ऐसी बनी है कि अगर कोई स्टॉक प्री कोविड लेवल्स के ऊपर नहीं निकला है तो वहां पे लोगों की नजर पड़ी है, लोगों के नजर में स्टॉक्स आए हैं एंड फिर उसमें रैली शुरू हुई है। ठीक है, तो ऐसा कुछ चार्ट ट्रेमेंट का डेली बेसिस पे। तो जैसा कि हम हमेशा देखते हैं, स्टॉक जो है 3 संभावनाएं हो सकती है। सबसे पहले स्टॉक का हम ट्रेंड चेक कर लेते हैं और ट्रेंड आप देख सकते हैं ऊपर। जी हाँ, स्टॉक का ट्रेंड आप देख सकते हैं ऊपर। स्टॉक जो है किस पैटर्न में ऊपर जा रहा है और वो है ये। हम देख सकते हैं और एक छोटा सा कर्व यहां पर भी बना लिया है स्टॉक ने। सो स्टॉक जो है कुछ इस तरह से इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। ओके, सो आगे जाके जो है स्टॉक कुछ इस तरह से हरकत कर सकता है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम तीनों पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे। सबसे पहली पॉसिबिलिटी यह है कि अगर नीचे की तरफ स्टॉक जाता है तो कितना जा सकता है आने वाले दिनों में। अगर स्टॉक नीचे की तरफ का रुख अपनाता है तो कितना जा सकता है नीचे, और सबसे पहला लेवल है ये। सबसे पहला डिप का लेवल है, दैट इज 362। जी हाँ, अगर 362 के आसपास स्टॉक मिले तो आप पोर्टफोलियो में इसे ऐड कर सकते हैं। और वो लेवल कैसे आया वो भी आपको दिखा दो। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया,
फिर यहां से इधर चला गया, यहां से पिछले ट्रेंड के पास चला गया, वहां से बाउंस, फिर एंड फिर एक ब्रेकआउट। सो 362 आप नोट कर लीजिए, 362 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और गिरावट होती है तो लेवल है 320, जी हाँ 320। आप देख सकते हैं यहीं से ब्रेकआउट, सपोर्ट, सपोर्ट, फिर ऊपर 320। उसके बाद का जो लेवल है वो है 295। यस 295 पिछले दिनों कोशिश की ऊपर जाने की, नीचे आ गया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, नीचे नीचे नीचे, फिर ब्रेकआउट। ओके सो ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स, नीचे के तरफ अगर स्टॉक निकलता है तो ये लेवल्स आपको आने वाले समय में देखने मिल सकते हैं, 362, 320 और 295। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, हर साल धीरे धीरे करके ग्रो हो रही कंपनी। ओके और दूसरी पॉसिबिलिटी, जैसा हमने बहुत बार डिस्कस किया है, स्टॉक या तो रेंज बाउंड हो सकते हैं, तो इसी रेंज में फंस जाएगा, इसी के आसपास घूमता रहेगा। और पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड चेक करें तो स्टॉक जो है आप देख सकते हैं एक ही तरह के रेंज में काम कर रहा है, एक ही रेंज में काम कर रहा है स्टॉक। ठीक है, नाउ अब स्टॉक को है, स्टॉक अगर ऊपर निकलता है किसी कारण तो कौन से लेवल के ऊपर निकलना जरूरी है, और वो लेवल है ये 395। एंड कोइंसिडेंटली स्टॉक जो है आज ने हाई लगाया 401, बट उस लेवल के आसपास क्लोजिंग देने की कोशिश शायद कर सकता है, जो रेजिस्टेंस लेवल है 395 उसके आसपास। सो अगर आज के सेशन में 395 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, जी हाँ 395 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो कुछ बात बन सकती है। इसके ऊपर क्लोजिंग होती है या ट्रेड करना शुरू करता है कुछ समय के लिए, तो जो लेवल्स देखने मिल सकते हैं वो है 415 से लेके 435। जी हाँ आने वाले दिनों में 415 से लेके 435 के स्तर हमें देखने मिल सकते हैं। अगर स्टॉक 395 के ऊपर क्लोज होता है या उसके ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करना शुरू करता है या एक घंटा उसके ऊपर ट्रेड करता है, तो आज स्टॉक ने हाई लगाया है 401 बट सस्टेन नहीं कर पाया और प्रेजेंटली स्टॉक अराउंड 391-92 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये था कुछ बेसिक्स एनालिसिस रेमंड लिमिटेड के बारे में। ऊपर की तरफ के लेवल्स हमने चेक कर लिए हैं, नीचे की तरफ के लेवल्स भी चेक कर लिए हैं। प्लीज आप भी रिक्वेस्ट है, स्टडी कीजिए, पैटर्न्स को फॉलो कीजिए, आपके हिसाब से भी लेवल्स निकालना शुरू कीजिए। सो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा एंड आपको डर कम लगेगा ट्रेड करते वक्त लाइव मार्केट में। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलती है ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।